कल्फिया ग्रीक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 7वें विश्व यूनानी दिवस के अवसर पर एक अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। शहर के प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज कल्फिया में मसीउल मुल्क हकीम अजमल खान के जन्मदिवस के अवसर पर एक अद्भुत शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर हकीम सुलेमान अहमद, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में कॉलेज के निदेशक सैयद इस्माइल खुर्रम, शैक्षणिक निदेशक सैयद शाहिद हुसैन और डॉक्टर सैयद यूसुफ फैसल ने भाग लिया। उनके अलावा कॉलेज के सभी प्राध्यापकों और शिक्षकों ने भाग लिया। करीम और हमदिया और नातिया कलाम की प्रस्तुति हुई तो समाज के ज्वलंत मुद्दों पर प्रस्तुत किए गए अद्भुत नाटकों ने सभा में खलबली मचा दी। इस कार्यक्रम में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष व प्री मेड के बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। यूनानी डे मनाया जा रहा है, 7वां वर्ल्ड यूनानी डे। श्री हकीम अजमल ठाकुर समाज का काम करते हैं और हमारे तब्बा जो है अपना उनका आइडियल बन रही है, लेकिन अभी पूरी तफसील से बनाया गया, सारे लोगों को इसमें मदद किया गया और लड़कों को जो है हमारे तब्बा विद्वानों को जो है मौका फराहम किया गया। 11 फरवरी को हम लोग हकीम अजमल ख़ान की पैदाइश पे, यौम पैदाइश पे वर्ल्ड यूनानी डे मनाते हैं। ये भारत सरकार की तरफ से ये अधिकृत है, ये वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है। उसी सिलसिले में, क्योंकि हमारा ये सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज है जो 1981 में इस्टेब्लिश्ड है और ये बिहार के सबसे पुराने यूनानी मेडिकल कॉलेजेस में एक है, तो यहाँ हम लोग आज वर्ल्ड यूनानी डे मना रहे हैं, जिसमें यूनानी तिब्बी इलाज की जो अफादियत है, जो उससे फ़ायदा है, वो उसको आम करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम किया गया है। और जो ये प्रोग्राम सारे जो दिव्या कॉलेज के बच्चे हैं या जो आगे बढ़ के जो डॉक्टर बनेंगे, हकीम बनेंगे, ये उन लोगों के ज़रिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि यूनानी तरीक़ा इलाज, जो एक सेफ़ तरीक़ा इलाज है, उसकी तशहीर हो, उसको आवाम तक पहुँचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और लोग इससे फ़ायदा उठाएँ, इसी मकसद के तहत इसको हम लोग मना रहे हैं। ये प्रोग्राम ओपन है, कोई भी आम पब्लिक भी आ सकती है उसके लिए, उसमें कोई ये नहीं है। और जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो जानने वाले हैं, वो लोग ऑलरेडी आए हैं। आज जबकि कहा जा रहा है कि अंग्रेजी मेडिकल दौर है, लोग जो है अंग्रेजी दवाओं पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, यूनानी काफ़ी पुरानी पद्धति है, नो डाउट। क्या आप लोगों को चैलेंजिंग लगता है कि कितना जल्दी लोग इसे अडॉप्ट कर पाएंगे, इस पर कुछ आप लोगों का राय? हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि एलोपैथी पे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन यूनानी तरीक़ा जो है ये सबसे पुराना तरीका है। और ये कहिए कि बहुत सारी चीज़ों में यूनानी ही सबसे पहले आया है और उसी को एलोपैथी ने अपनाया है। जैसे सर्जरी की जो सारी चीज़ें हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे यूनानी हकीम ने बनाए थे, वो बाद में अभी भी उनके नाम, उन्हीं के नाम पे रखे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों के, और वो एलोपैथी ने उसको अडॉप्ट किया। अभी यूनानी के सामने कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं। यूनानी के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे आवाम तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा जाए, क्योंकि एलोपैथी पे अभी ज़्यादा विश्वास हो गया है लोगों का, लेकिन वो विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। हकीम अजमल खान डे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है तिब्बी यूनानी को प्रमोट करने के लिए, ताकि लोगों के अंदर जानकारी पैदा हो कि यूनानी में क्या इलाज होता है और कैसे इलाज होता है। उसी के मौके से हम लोगों ने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है हकीम अजमल खान का जन्मदिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। इसके पहले हकीम थे इन्होंने, और इन्होंने अपना कॉलेज कायम किया करोल बाग में, दिल्ली में, यूनानी कॉलेज। ये वर्ल्ड यूनानी डे 2017 से सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था और हर साल हमारा सेल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एक अलग अलग अंदाज में, जिससे कि बच्चों को बीच मैसेज जाए यूनानी का, यूनानी स्ट्रेंथ का, बाकी हर चीज़ जो हर पहलू से है, बच्चों को किस तरह से यूनानी में बेस्ट करना है, वो हर चीज़ को लेकर के यहाँ पर अच्छे तरीके से दी जा रही है। और आज भी उसी को लेकर के यहाँ पर प्रोग्राम है, जिसका बहुत सारे मौजू है, जिसमें हम यूनानी इलाज को कैसे हम बढ़ावा दें, लाइक यूनानी की जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हम कैसे याद करें और उन चीज़ों से कैसे हम इसे और आगे डेवलप कर पाएँ, ये सारा मोटो लेकर के आज ये सेल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज जो पूरे अभी मैं कहूँ तो पूरे बिहार के अंदर मैं कहूँ तो ये अभी एक टॉपमोस्ट कॉलेज है,
जो कि यूनानी मेडिकल फैटर्निटी में पूरी बात की जाए, यूनानी मेडिकल सेक्टर्स के अंदर जो बात की जाए तो सही है। हमारे कॉलेज में सेल्फ है यूनानी मेडिकल कॉलेज में ये, और इसमें आज जो कार्यक्रम है ये आज का यूनानी दिवस भी मनाते हैं हम लोग, और आज का दिन जो है हकीम अजमल खान को दूसरे नाम के खिताब के नाम से मशहूर मुल्क कहा गया है, हम लोग उनको सेलिब्रेशन करते हैं आज के डेट में, और 11 फरवरी को उनकी यौम पैदाइश की तारीख है, और इसी यौम पैदाइश यानी हैप्पी बर्थडे जो होता है उन पर जो है हिंदुस्तान की हुकूमत जो है उनको यूनानी दिवस के रूप में मनाने का अवार्ड दे दिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कॉलेज हैं, यहाँ सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज में आलमी यौम यूनानी यानी वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जा रहा है, जो हमारे हकीम अजमल खान साहब के नाम पर मनाया जाता है। आज उनकी पैदाइश थी, आज उनकी यौम